फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट प्रक्रिया धर्मशाला में भी चल रही है। ऐसे में इसके उपरांत होने वाले लिखित परीक्षा का आयोजन वन विभाग के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि प्रतिदिन भर्ती प्रक्रिया में 250 से अधिक उम्मीदवार ग्राउंड टेस्ट पास कर रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सर्कल धर्मशाला डीआर कौशल ने बताया कि युवाओं में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर खासा उत्साह है। पहले दिन दिखा उत्साह आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 250 से 280 से अधिक उम्मीदवार ग्राउंड टेस्ट पास कर रहे हैं। ऐसे में लिखित परीक्षा के लिए 9000 के लगभग उम्मीदवार हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में बैठने की व्यवस्था कराना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन वन विभाग इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं कर रहा है। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए जिला भर में 46,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनके ग्राउंड टेस्ट हो रहे हैं। देखिए, 13 तारीख से इस महीने की जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे पहले दिन से लोगों में जोश था, वो जोश बरकरार है, क्योंकि हर दिन हमने 1300 प्लस बच्चे बुलाए हैं। आज हालांकि थोड़ा मौसम खराब था, लेकिन उसके पश्चात भी युवा पूरे यहाँ पे आए हुए हैं और वो रुझान जो है वही बना हुआ है जो पहले से था। देखिए, कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है, उसका अच्छी तरह से पालन करवाया जा रहा है। जो हमारा एंट्री गेट है रजिस्ट्रेशन से पहले, उसमें थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हर चीज़ का वहाँ ध्यान रखा जा रहा है। और अंदर सिर्फ कैंडिडेट्स ही आ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, बाकी उनके रिलेटिव्स और बाकी लगेज बाहर रह रहे हैं। और जहाँ तक आप कहें कि इसमें किस तरह से हम जो है पारदर्शिता बनाए हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमने हर इवेंट में, चाहे वो 100 मीटर हो, 800 मीटर हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, हर जगह पे हम डिजिटल कैमरा लगाए हैं और एक एडिशनल CCTV कैमरा भी लगाया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको कोई कन्फ्यूज़न है कि डिस्क्वालीफाई हो गया है या आगे है पीछे है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, उस बच्चे को क्लिप भी दिखा करके हम जो सेटिस्फाई कर दें कि आपकी पोजिशन ये थी और आपकी टाइमिंग ये है, तो वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो अभ्यास करके आए, तंदुरुस्त हैं, रिहर्सल करके आए और जो मापदंड जो उनके जो हमने रखे हुए हैं उस पर पूरे उतर रहे हैं।